हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ सैल्मन फिश आलू मटर के साथ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने सैल्मन फिश को अच्छे से धो लिया, उसमें हल्दी और नमक लगाकर और मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हल्का हल्का ही फ्राई करना है। इसी तेल पे मैंने एक प्याज काट कर डाल दिया और साथ ही दो तीन मिर्च के चीरे लगा के भी डाल दिए। अभी इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए। अब मैंने हरा मटर भी डाल दिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च, और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हमें अच्छे से मिला लेना। अब मैंने टमाटर भी डाल दिया। टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें हम अब पानी डाल देंगे। अब हम इसको ढककर 20 मिनट्स पकाएंगे आलू मटर पकने तक। अब आप देख सकते हैं आलू पक चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके फिश को डाल देंगे। अब मैंने ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो झोल है ये खाने में बहुत यम्मी लगता है। राइस के साथ आप लोग खा सकते हैं। धनिया पत्ता डालने के बाद मैंने 5 मिनट हाई फ्लेम में पकाया। अब ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।